Hello everyone, my name is Prateek Singh, Assistant Professor, Employability Training Department. आज हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की. तो सबसे पहले बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स की कि ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है. तो इसकी इम्पोर्टेंस हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. और एग्जाम्पल ऐसा है कि दो दोस्त हुआ करते थे, राम और श्याम. दोनों सेम स्कूल में पढ़े थे, दोनों के दोनों पड़ोसी थे, दोनों नेबर्स थे, सेम स्कूल के थे. अब राम जो कि पढ़ने में काफी तेज था, उसके नंबर्स भी श्याम से अच्छे आते थे. श्याम एक एवरेज स्टूडेंट था, उसके नंबर्स नॉर्मल आते थे, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स के होते हैं. दोनों में एक डिफरेंस था कि जहां पर राम एक बहुत ही पढ़ने वाला बच्चा था, वहीं पर श्याम पढ़ाई के साथ साथ सोशल लाइफ को भी इम्पोर्टेंस देता था. राम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से संबंध रखता था, वहीं पर श्याम सोशल लाइफ को इम्पोर्टेंस देता था, लोगों से मिलता था, बातचीत करता था. अब होता क्या है कि एक दिन एक जॉब इंटरव्यू के लिए राम और श्याम दोनों जाते हैं. राम का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, श्याम का सिलेक्शन हो जाता है. अब ये सोचने वाली बात है कि राम एक पढ़ने वाला लड़का, श्याम से ज्यादा नंबर लाने वाला लड़का, लेकिन स्टिल उसका सिलेक्शन नहीं होता. श्याम पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट था, बट स्टिल ही गॉट सिलेक्टेड. तो दिक्कत कहां पर आई? दिक्कत आई है कम्युनिकेशन स्किल, जो बात करने का तरीका होता है, किस तरह से हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं पॉजिटिव वे में और दूसरे को खुद से कनेक्टेड फील करा सकते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं. अगर आप इंटरव्यूअर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप 100% कहीं ना कहीं फेलियर, कहीं ना कहीं आपको फेल होना पड़ेगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज था कि जहां पर राम और श्याम दोनों ही सेम बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, लेकिन एक सेलेक्ट नहीं हो पाता और एक कम पढ़ने के बावजूद सेलेक्ट हो जाता है, इसका जो मेन रीजन रहा वो रहा कम्युनिकेशन पार्ट. श्याम की कम्युनिकेशन राम की कम्युनिकेशन से काफी बेहतर थी. आइए अब देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ाना चाहिए. तो सबसे पहली चीज ये है कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करता है खुद को प्रेजेंट करने में. फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप अगर इंटरव्यूअर के साथ कनेक्टेड फील नहीं करेंगे तो आप, जाहिर सी बात है, जो भी हेजिटेशन है आपके अंदर वो आपके अंदर वैसे ही रहेगा और आप इंटरव्यू ठीक तरीके से क्रैक नहीं कर पाएंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कनेक्ट होना, और कनेक्ट आप तभी हो पाएंगे जब आपका कम्युनिकेशन पार्ट बेहतर होगा. इसीलिए स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल. अगर स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो वो हर जगह एक्सेल करेगा, फिर चाहे वो इंटरव्यू देने गया हो, फिर चाहे वो किसी शादी को अटेंड करने गया हो, फिर चाहे वो किसी रिलेटिव के पास गया हो, आप हर जगह एक्सेल कर लेंगे. अब बात करते हैं कि किसको हेल्प मिलेगी सब्जेक्ट से. कम्युनिकेशन स्किल अगर किसी की अच्छी है, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ रहा है, तो इससे हेल्प किसको मिलेगी? यहाँ पे रेफरेंस के लिए कुछ चीजें हैं, जैसे इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, शेफ्स हो गए, मैनेजर्स हो गए. इनके अलावा भी बहुत से लोग हैं जिनको कम्युनिकेशन पार्ट अगर अच्छा है तो काफी हेल्प मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन है, उसको अपने इन्वेस्टर्स से पैसे लेने हैं. अब जब तक वो अपने इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट नहीं करेगा, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन अपने इन्वेस्टर्स की तरफ नहीं ले जाएगा, तब तक वो इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. तो कम्युनिकेशन पार्ट यहाँ पे भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. अगर कोई बिजनेसमैन, उसको मार्केट से पैसा उठाना है तो उसका कम्युनिकेशन पार्ट अच्छा होना चाहिए, लोगों को उस पर ट्रस्ट होना चाहिए. और आपका ट्रस्ट तभी बिल्ड होता है जब आपका कम्युनिकेशन पार्ट अच्छा होता है. एक स्टूडेंट तभी एक्सेल कर पाएगा जब उसका कम्युनिकेशन पार्ट अच्छा है और वो जो स्टूडेंट है वो ठीक तरीके से अपने टीचर से कनेक्ट हो पा रहा है. तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए जब कभी भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी से अपने थॉट प्रोसेस को बताने जा रहे हैं. अब बात करते हैं
कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल का क्या इम्पैक्ट रहता है, किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं सही तरीके से। सबसे पहली चीज कि अगर आपका कम्युनिकेशन पार्ट अच्छा है तो आप सेंटेंसेस करेक्टली फ्रेम करेंगे। एट अ टाइम अगर आपकी किसी से बातचीत चल रही है तो आप मन ही मन उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इससे आपका फायदा ये रहेगा कि आप उससे कनेक्टेड फील भी करेंगे और आप उसको अपने जो थॉट प्रोसेस है वो ठीक तरीके से बता सकते हैं। फिर बात करते हैं प्रोफेशनली कम्युनिकेट इन अ हायरार्की। इसका एग्जाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे हमको छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी चाहिए तो हम डायरेक्ट सीईओ को तो मैसेज करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने टीम लीडर से कांटेक्ट करेंगे। टीम लीडर से कांटेक्ट करने के बाद हम अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद वहां से जब हमारा अप्रूवल हो जाएगा फिर हम एचआर को कांटेक्ट करेंगे। तो ये एक हायरार्की होती है जिसमें हमको कम्युनिकेशन करना होता है। हम डायरेक्ट किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते, हमें हायरार्की के थ्रू कांटेक्ट करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कब किससे कांटेक्ट करना है। छुट्टी चाहिए, आप अपने टीम लीडर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आगे आपका जो कांटेक्ट है उसको फ्लोट कर देंगे। तीसरी चीज, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है कम्युनिकेशन से। आप किसी से बात कर रहे हैं, आप उसे कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो जो कुछ भी सामने वाला आपको समझा रहा है आप ठीक तरीके से उसको सुनेंगे तो आपकी खुद की सेल्फ नॉलेज बढ़ती है और आप भी उसको समझा पाएंगे अच्छे और बेहतर तरीके से। फिर बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को बेहतर तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप टीम लीडर हैं, आपके सामने आपके जूनियर्स आए हैं, दोनों का कोई ना कोई सजेशन है। अब अगर आपने एक का सजेशन माना दूसरे का नहीं माना तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दोनों के बीच में कि सर ने इनको इम्पोर्टेंस दी मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो आप वहां पे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं बेहतर तरीके से अगर आपका कम्युनिकेशन पार्ट अच्छा है। आप दोनों की राय लीजिए और उन दोनों से जो भी उनकी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है उसको आप अपने पास रख करके उसको आगे फ्लोट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज होंगे और आपका जो टीम लीडर है, आप जो खुद एक टीम लीडर हैं, आपका कम्युनिकेशन पार्ट अपने जूनियर्स के साथ बेहतर बनेगा। फिर बात करते हैं ट्रस्ट। अगर आप अपने जूनियर्स के साथ ट्रस्ट मेंटेन करते हैं, ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा है, हम बताना चाहते हैं अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को कि हम क्या सोचते हैं, तो अगर आपका कम्युनिकेशन पार्ट अच्छा है तो आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि आप, मैं मानता हूं कि मैं इनको क्या समझाना चाहता हूँ, अपने सीनियर से मैं क्या बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं उस चीज को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मेरा एक फैक्टर रहेगा जो मुझको समझना है। कम्युनिकेशन के थ्रू मुझे उन तक अपनी वो बात पहुंचानी है जो मैं एज इट इज पहुंचाना चाहता हूँ। तो ट्रस्ट बिल्डअप होता है हमारे बीच में, जो हम सोच रहे हैं हम उसको कैसे अपने सीनियर्स तक या जूनियर्स तक पहुंचाएं, और एज इट इज जब हम पहुंचाते हैं तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। फिर बात करते हैं रिलेशनशिप बेहतर होते हैं। अगर हम पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं लोगों को, साथ के लोगों को, सीनियर्स को, तो एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है और वो एक बेहतर रिलेशनशिप कहलाया जाता है। और ये कब पॉसिबल होता है, जब हम कम्युनिकेशन सही तरीके से करते हैं। इसी पर एक चीज यहाँ पर और गिवन है, रिलेशनशिप बिल्ड ऑन द सॉलिड ग्राउंड ऑफ गुड कम्युनिकेशन टेंड टू बी स्ट्रॉन्गर and can even help participants find opportunities for personal growth. अगर आपकी relationship communication ground पर बेहतर है, तो आप life में confirm excel करेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, आपकी personal growth होगी, आपके organization की growth होगी, आपका communication part अगर अच्छा है तो। आइए आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन करने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो कम्युनिकेशन सही तरीके से करने के लिए सिर्फ बोलना ही जरूरी नहीं होता, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। हमारा लिसनिंग पार्ट अच्छा होना चाहिए, हमारा स्पीकिंग पार्ट अच्छा होना चाहिए, हमारा रीडिंग पार्ट अच्छा होना चाहिए, हमारा राइटिंग पार्ट अच्छा होना चाहिए। ये सारे ही कम्युनिकेशन के एक पार्ट है और ये सारे पार्ट हमको बेहतर तरीके से आने चाहिए। आप अच्छे सुने, जब कोई बोल रहा है, कम्युनिकेशन इज व्हाट, जब कोई बोल रहा है तो बिकम अ गुड लिसनर। इफ यू आर अ गुड लिसनर देन ओनली यू आर अ गुड स्पीकर। आप जब तक ठीक तरीके से किसी की बात सुनेंगे नहीं, आप रिप्लाई सही नहीं दे पाएंगे। तो सुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आप सुनेंगे तभी आप उसको रिप्लाई दे पाएंगे।
तो सुनना उसके बाद बोलना। अगर हमको किसी को रिटन रिप्लाई देना है तो हम उसको रिटन रिप्लाई भी बेहतर तरीके से दे पाएंगे अगर हमारा कम्युनिकेशन पार्ट अच्छा है। इसीलिए कहते हैं कि कम्युनिकेशन में साथ साथ थोड़ी ग्रामर भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं इसमें। तो अगर हमारी ग्रामर अच्छी है जो कि हमारा कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है तो हम बेहतर तरीके से अपनी चीजों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अगर हमें अपने सीनियर को कोई लेटर लिखना है, अपने जूनियर्स को कुछ बताना है लेटर के थ्रू, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, कोई पैराग्राफ लिखना है, कोई पिक्चर परसेप्शन, तो ये सारे पार्ट कम्युनिकेशन स्किल के ही होते हैं और इनके जरिए हम बेहतर तरीके से चीजों को कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल हमको हर चीज में एक्सेल करने के लिए हमें एक बेहतर प्लेटफॉर्म देता है। कम्युनिकेशन स्किल में ग्रामर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ग्रामर कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ग्रामर में हमें क्या पढ़ाया जाना चाहिए कि हमारी कम्युनिकेशन जो पार्ट है वो बेहतर हो जाए, तो उसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होनी चाहिए हमें, जिसमें कुछ एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं हमारे, उसको हमको आना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगी, टेंसेस, सेंटेंसेस, उसके टाइप्स, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगी एक बेहतर तरीके से चीजों को परफॉर्म करने में। अब ये सारी चीजें करने के बाद एक स्टूडेंट बेहतर कम्युनिकेट कर पाएगा लोगों के साथ, तो इसीलिए ग्रामर भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है कम्युनिकेशन का, तो वो भी हमें आना चाहिए। तो ग्रामर में जितनी भी हमारी एक्सरसाइजेज हैं वो भी यहाँ पर गिवन है कि आप उस चीज को भी देखें तो वो चीजें समझ में आती हैं हमको। अब लास्ट में सेशन कि अगर जो भी आपने गोल्स सोच रखे हैं, लोग अगर आपके गोल्स पर हंस नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो गोल है वो बहुत छोटा है। तो इसीलिए लोग अगर आपके गोल्स पर हंस रहे हैं तो आप दुखी ना होइए, आपने बहुत अच्छा गोल बना के रखा है। थैंक यू वेरी मच।